दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम Adobe फोटोशॉप CC 2018 के इस वीडियो में हम फोटोशॉप में जो लेवल यूज होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ओ दबाएंगे, यहाँ से हम एक इमेज ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारी इमेज ओपन हो गई है। लेवल को इस्तेमाल में लाने के लिए आपको मेनू बार में इमेज का ड्रॉप डाउन मेनू ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से एडजस्टमेंट में आपको लेवल करके एक सब मेनू है, यहाँ से आपको लेवल को ओपन करना है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल L। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। लेवल का डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपके सामने एक हिस्टोग्राम नजर आएगा। इस हिस्टोग्राम में आपको आपने जो इमेज ओपन की है उस इमेज में हाईलाइट यानी के जो ब्राइटनेस वाला जो एरिया है, शैडोज जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है और मिड टोन, इन सब का प्रमाण आपको इस हिस्टोग्राम में मिलेगा। हाईलाइट मतलब आपके इमेज में जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है वो हिस्सा। शैडोज मतलब जहाँ पे आपके इमेज में ज़्यादा डार्क एरिया है, ज़्यादा ब्राइटनेस बहुत ही कम है, उस हिस्से को हम शैडोज कहते हैं। और जिस हिस्से में ना ही कोई ज़्यादा ब्राइटनेस है ना ही ज़्यादा शैडो है उस हिस्से को हम मिड टोन कहते हैं। तो आप यहाँ पे लेवल का जो डायलॉग बॉक्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही स्लाइडर में आपको तीन पॉइंट नज़र आएंगे। यहाँ पे है ब्लैक पॉइंट, यह हमें हमारी इमेज में शैडोज को एडजस्ट करता है। दूसरा है मिड पॉइंट, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है यह हमारे इमेज में मिड टोन को या फिर गामा को एडजस्ट करता रहता है। और ये है हमारा वाइट पॉइंट, यह वाइट पॉइंट हमारे इमेज में ब्राइटनेस और हाईलाइट को एडजस्ट करता रहता है। हम जैसे ही इस वाइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे इमेज में वाइट कलर या फिर ब्राइटनेस बढ़ने लगेगा। और जैसे ही हम इस ब्लैक पॉइंट को हमारे राइट की तरफ हम लेके जाएंगे तो हमारे इमेज में शैडोज या फिर ब्लैक कलर ऐड होता जाएगा। और बीच में है ये मिड टोन। मिड टोन से क्या होगा, जैसे ही हम मिड टोन को हमारे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो जहाँ पे भी शैडोज का जो हिस्सा है या फिर जहाँ पे डार्कनेस एरिया है वो ब्राइटनेस में या हाईलाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन इससे हमारी इमेज एक तरह से फ्लैट दिखने लगेगी। और जैसे ही हम इस मिड पॉइंट को राइट की तरफ व्हाइट पॉइंटर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे इस इमेज में जहाँ पे ब्राइटनेस का जो हिस्सा था वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट होता जाएगा या फिर ब्लैक कलर ऐड होता जाएगा। अगर आपको अपने इमेज में हाईलाइट या फिर शैडोज को रिमूव करना है, कम करना है, तो इसी हिस्टोग्राम के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आउटपुट लेवल। इस स्लाइडर में आपको दो पॉइंट दिखाई देंगे, एक ब्लैक पॉइंट और एक व्हाइट पॉइंट। जैसे ही आप इस ब्लैक पॉइंट को आप राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो आपके इमेज में जो शैडोज है, जो डार्कनेस वाला जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे ही आप इस व्हाइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके इमेज में जो हाइलाइटेड एरिया है जहाँ पे ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपकी इमेज पूरी तरह से ब्लैक दिखने लगेगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि लेवल में जो हिस्टोग्राम का जो इनपुट लेवल है या फिर आउटपुट लेवल है
इसमें से जो स्लाइडर को हमने लेफ्ट और राइट लेने के बाद किस तरह से हम एडजस्टमेंट इमेज में कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ फोटोशॉप ने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रेडीमेड प्रीसेट दिए हैं, आप इसको भी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि ये है डार्कर, यहाँ पे है इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 1, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 2, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 3, यहाँ पे है लाइटर। तो आप यहाँ पे मिड टोन ब्राइटर और यहाँ पे मिड टोन डार्कर, तो आप अपने हिसाब से इस इमेज में जैसे चाहे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, मिड टोन, शैडो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। यहाँ पे दूसरा एक टैब दिया है चैनल का, तो यहाँ पे है मास्टर, यहाँ पे RGB ही सेट किया है। अगर आप चाहे तो इसे रेड चैनल में लेके यहाँ पे हमारा जो ब्लैक पॉइंट का जो स्लाइडर है इसे हम राइट साइड में लेंगे तो हमारे इमेज में साइन कलर ऐड होता दिखने लगेगा। ये रेड कलर के एकदम अपोजिट होता है, और जैसे ही हम इस वाइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे इमेज में रेडनेस आने लगेगा। और दूसरा है ग्रीन चैनल, अगर हम ग्रीन चैनल सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लैक पॉइंट को राइट की तरफ लेंगे तो हमारे इमेज में मैजेंडा कलर आपको बढ़ने लगेगा। और जैसे ही व्हाइट पॉइंट के स्लाइडर को हम हमारे लेफ्ट के साइड लेके जाएंगे तो इस इमेज में ग्रीन कलर का चैनल, मतलब ग्रीन कलर ऐड होने लगेगा। और तीसरा है ब्लू चैनल, ब्लू चैनल को आप राइट की तरफ लेंगे तो ब्लू के जो ऑपोजिट कलर आता है येलो, तो इस इमेज में येलो कलर टोन ऐड होने लगेगा। और जैसे ही आप व्हाइट पॉइंट का जो स्लाइडर है लेफ्ट की तरफ लेके तो आपके इमेज में ब्लू टोन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप इस चैनल का यूज इमेज में एक ड्रामेटिक लुक देने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों इस इमेज में हम कुछ वैल्यूज एंटर करेंगे और इस इमेज को मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हमारा व्हाइट पॉइंट का जो स्लाइडर है ये इसे मैं 238 पे रखूंगा, यहाँ पे मिड टोन का स्लाइडर में बाय डिफॉल्ट ही रखूंगा और ब्लैक पॉइंट का स्लाइडर में राइट की तरफ लेके इसे हम 22 पे रखेंगे। आउटपुट लेवल हम यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे चैनल ब्लू का लेंगे और इस मिड टोन को हम 8 की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हम ओके करेंगे और इस इमेज को हम सेव करेंगे, इसे हम सेव एज करते हैं। हम इस इमेज को क्लोज करेंगे और दोनों इमेज एक साथ ओपन करेंगे। दोनों इमेज को एक साथ देखने के लिए आपको अरेंज में टाइल ऑल वर्टिकली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फाइल लेफ्ट की तरफ और ये हमारा राइट की तरफ, जो हमने अभी मैन्युअली कुछ वैल्यूज एंटर करने के बाद, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमारा फाइनल आउटपुट आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से फोटोशॉप में लेवल को यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाओ जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।